हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे एम के एजुकेशन पॉइंट्स यूट्यूब चैनल के अंदर। अगर आपने राजस्थान टेक्निकल हेल्पर 2 का एग्ज़ाम फॉर फिलअप किया है तो उसकी जो एग्ज़ाम सेंटर है वो आपके कहाँ आने वाले हैं, क्योंकि इसके एग्ज़ाम सेंटर आपके राजस्थान के अलावा अन्य स्टेटों में भी डाले गए हैं। तो इस वीडियो में आपको सेंटर से संबंधित इन्फॉर्मेशन दी जाएगी, साथ साथ में आपको सिलेबस और टाइम ड्यूरेशन क्या रहेगा उसका, इसके बारे में भी बताया जाएगा। क्या इस एग्ज़ाम के अंदर आपकी एग्ज़ाम ऑनलाइन होगी या ऑफलाइन, और साथ में उनमें नेगेटिव मार्किंग होगी या नहीं, तो सारी इन्फॉर्मेशन में बताया जाएगा। तो फ्रेंड्स, वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट भी है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हो और नए विजिटर्स हो और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको ऑल अपडेट जितने भी टेक्निकल हेल्पर से संबंधित है उसको आपको इस चैनल के माध्यम से मिल जाएगी, और आप प्रत्येक सूचनाओं से जितनी भी अपडेट है उससे रूबरू हो सकें। तो आपको करना क्या है, छोटा सा काम करना, एक रेड कलर का बटन दिखाई दे रहा होगा उसको सब्सक्राइबर का, उसको प्रेस करना है। साथ में ये बेल का आइकन जरूर दबा देना, उसके बगल में बेल का आइकन होगा उसको जरूर दबा देना, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन विदाउट किसी इन्फॉर्मेशन के मिल जाए और तुरंत आप उस सूचना से अपडेट हो सके। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ देख सकते हो आपका दे गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, यहाँ पे आपको नीचे एक इन्फॉर्मेशन दी हुई है आपकी एग्ज़ाम सेंटर, यहाँ पे आपके एग्ज़ाम सेंटर की लिस्ट दी हुई है। इसमें से आपको यहाँ से लेके यहाँ तक, यानी कि यहाँ तक आपके राजस्थान के हैं, इन राजस्थान में से आपका जयपुर, कोटा, अजमेर, जोधपुर, बीकानेर, श्रीगंगानगर, उदयपुर, यानी कि इन सिटियों में एग्जाम होने वाली है राजस्थान की सिटियों में। इसके अलावा राजस्थान को छोड़ के अगर के भारत के जो स्टेट हैं वो आपके ये हैं, इनमें से दिल्ली के अंदर जो सेंटर जाएगा वो दिल्ली के अंदर होगा, उत्तर प्रदेश के अंदर होगा वो आगरा के अंदर, मध्य प्रदेश स्टेट के अंदर होगा वो आप इंदौर के अंदर, गुजरात के अंदर होगा वो अहमदाबाद के अंदर, आपकी सिटियों में एग्जाम होने वाला है इस टेक्निकल हेल्पर 2 का। ओके, इसके अलावा नीचे एक और भी अपडेट दी हुई है, यहाँ आप देख सकते हो कि JVNL हेल्पर सेकंड एग्जाम पैटर्न, द एग्जाम पैटर्न विल बी एज फ्लो, मतलब इसमें दिया हुआ आपका द एग्जाम विल बी कंडक्ट ऑनलाइन, यानी कि आपकी जो एग्जाम होगी वो ऑनलाइन होगी, ऑफलाइन नहीं होगी। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात क्या है, ये एग्जाम विल बी रिटन ऑब्जेक्टिव टाइप, यानी कि जो एग्जाम होगी वो आपकी ऑब्जेक्टिव टाइप होगी। तीसरी बात दी हुई है यहाँ पे, क्वेश्चन पेपर विल बी ऑफ 100 मार्क्स पर क्वेश्चंस, यानी कि इसके अंदर जो क्वेश्चन पेपर होगा वो 100 मार्क्स का होगा इसके अंदर। चौथी बात क्या है, इसके अंदर क्वेश्चन विल बी बेस्ड ऑन जनरल साइंस, हिंदी, इंग्लिश, एलिमेंट्री मैथ्स एंड जनरल नॉलेज विद स्पेशल एम्फेसिस ऑफ राजस्थान, यानी कि इसके अंदर आपका जनरल जनरल साइंस, हिंदी, इंग्लिश, मैथ और जनरल नॉलेज, राजस्थान से संबंधित जितनी भी आपकी जनरल नॉलेज है, आपकी कल्चरल है, एनवायरमेंटल है, वो सब चीज़ आएगी इसके अंदर। और नेक्स्ट, अब नेक्स्ट लाइन में ये है आपका, द टाइम ड्यूरेशन ऑफ द एग्जामिनेशन विल बी 2 आवर्स, यानी कि इसमें जो आपको टाइम दिया जाएगा वो 2 घंटे का रहेगा। इसके अलावा यहाँ पर नीचे दी हुई एक और, देयर शैल बी नो नेगेटिव मार्किंग, यानी कि इसके अंदर कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है, आप इसको 100 से 100 कर सकते हो। नेक्स्ट दिया हुआ है कि देयर शैल बी नो मिनिमम पास मार्क इन दी एग्जामिनेशन, आपको यहाँ पे कोई भी मिनिमम पासिंग क्राइटेरिया नहीं दे रखा है, आप कितनी मार्क्स लेके आ सकते हो, बस अगर सपोज करो आपका इसमें जो सिलेक्शन होगा वो मेरिट ऑर्डर पर होगा, इसके अंदर कोई भी क्राइटेरिया नहीं रखा कि आपको 40% या 30% लेके लाना अनिवार्य है, इसमें कोई क्राइटेरिया नहीं रखा, आप कितनी मार्क्स लेके आ सकते हो, बस शर्त ये कि आपको मेरिट ऑर्डर में आना पड़ेगा। अगर आप मेरिट ऑर्डर में आते हो तो आपका सिलेक्शन पक्का है। तो इस टाइप से क्या है, यहाँ पे इस आपका सेंटर और ये एग्जाम से संबंधित कुछ इन्फॉर्मेशन थी। इसकी जो एग्जाम है वो आपकी जहाँ तक संभव है इन जनवरी के अंदर इसका नोटिफिकेशन आ जाएगा और अपनी साइट पर अपडेट कर देंगे। तो जैसे इसकी न्यूज आती है, न्यू अपडेट आती है, तो इस चैनल के माध्यम से आपको इन्फॉर्मेशन कर दिया जाएगा। बस आपको इन्फॉर्मेशन तभी मिल पाएगी जब आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लोगे तब। ओके, तो आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई हो। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करना, साथ में अपने फ्रेंड्स को भी बताना। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलते हैं किसी न्यूज़ के साथ, तब तक के लिए बाय।